Hey guys, this is Harshay Shah and welcome to my YouTube channel Harshay Shah Films, and hope you guys are doing absolutely fine. आज है डे 4 भूटान ट्रिप का और अभी 9:30 बजे के आसपास हम होटल से निकले। थिम्फू आज पूरा दिन घूमने का प्लान है। सबसे पहले तो हम नेशनल मेमोरियल जाएंगे जो कि सिटी में ही पड़ता है। वहाँ से थोड़ा दूर जाना है जो कि है बुद्धा पॉइंट, थिम्फू सिटी का मेन टूरिस्ट स्पॉट बोल सकते हैं आप लोग। हाँ, टूरिस्ट स्पॉट। वहाँ से जाएंगे टाकी प्रिजर्व जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है और वो काफ़ी अच्छा था। जू नहीं है पर पूरे जंगल ही है और काफ़ी अच्छा है, इसलिए प्लान बना है कि वहाँ पे भी जाएंगे। उसके बाद हम लंच लेंगे। एक तो कोई ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट था उसके अंदर लंच लेने का प्लान है, और लंच के बाद वहाँ पर एक ट्रेडिशनल पेंटिंग वर्कशॉप या स्कूल, दोनों में से कोई एक है, वो देखने जाना है। और वहाँ से हम कहाँ जाना वाले थे, ओके हाँ, वहाँ से हम जाएंगे थिम्फू जोंग जो कि पार्लियामेंट हाउस है थिम्फू भूटान का। वो एकदम लास्ट में देखने जाने वाले, सो वहाँ पे जो फ्लैग और परेड जो होती है वो देखने मिल सके। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है और गूगल पे दिखाएगा कि शायद बारिश हो सकती है, चांसेस कम थे, 49% 50% थे, तो भी रिस्क नहीं लेते हुए टाइम बैक मैंने लिया नहीं है। और यहाँ पे हम अभी पहुँच गए नेशनल मेमोरियल, जो कि पर पर्सन फॉरेनर के लिए 300 रुपीज़ टिकट है। और यहाँ पे इतना ये अब जो देख रहे हैं एक मंदिर है, और इसके अंदर एंट्री बैक पिछले वाले दरवाजे से एंट्री चालू है, बट आगे वाले दरवाजे से कोई स्पेशल डे होता है तभी एंट्री मिलती है, और ऊपर जाना भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे जितने भी थिम्फू में रहते हैं ज़्यादातर लोग आके प्रे करते हैं सुबह शाम आके, और इसकी दूसरी कोई वजह खास है तो पता नहीं है, देखते हैं क्या है आगे। ठंड थोड़ी बढ़ रही थी इसलिए जैकेट डाल लिया है, और अभी नेशनल मेमोरियल निकल गए और अभी हम जा रहे हैं अभी बुद्धा पॉइंट देखने के लिए। बुद्धा पॉइंट बहुत तो नहीं बोल सकता, 3 या 4 किलोमीटर ही दूर है सिटी से और थोड़ी हाइट पे, इसलिए ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, सो देखते हैं कि क्या है बुद्धा पॉइंट। यहाँ पे एंट्री फ्री है, और आप जो ये सामने देख रहे हो ये ही है बुद्धा का स्टैचू। ये भूटान का सबसे बड़ा बुद्धा का स्टैचू है, और ये कॉपर या गोल्ड में कंफर्म नहीं हूँ, मैंने बात की थी वो मैं भूल गया, कॉपर या गोल्ड प्लेटेड है, पूरा बना हुआ नहीं है, सिर्फ गोल्ड या फिर कॉपर प्लेटेड है ये बुद्धा का स्टैचू। और इसके अंदर जाना भी अलाउड है, पर आज के दिन में कुछ रीज़न था इसलिए अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर से देख के निकल गए, बाहर से देखा, फ़ोटो खिंचवाए और वहाँ से निकल पड़े। और एक छोटा सा हाइपरलैप्स देखिए आप अब। हे गाइस, सो अभी जस्ट चांगा लाखा मंदिर जो था, चांगा लाखा ऐसा कुछ नाम था मंदिर का, वो देख के निकले। वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थे और बारिश भी थी और वो ओपन में भी था, सो बहुत वीडियोस लिए नहीं। और वहाँ पे हम टाकी रिजर्व भी गए थे, तो बारिश की वजह से जो देखना था वो सारे एनिमल्स अंदर चले गए थे, तो कोई मतलब नहीं था कि वहाँ पे जाके देख रहे। और अभी भूख लग रही है, सो अभी वो जो ट्रेडिशनल फूड जहाँ पे मिलता है कुछ बहुत ही फेमस है, पूरे भूटान में सबसे ज़्यादा फेमस है और थिम्फू में स्पेशली, सो वहाँ पे अभी जाने का प्लान हो रहा है। और अगर बारिश रुक जाती है तो हम अपना प्लान कंटिन्यू करेंगे, और अगर बारिश नहीं रुकती तो हम वापस अपना होटल
होटल जाएंगे और वहाँ पर रेस्ट लेंगे और बाद में वो जो जोंग देखना है वो जोंग देखने जाएंगे और तब और जोंग भी देखना है। और मेरा कल का प्लान ये है कि हम थिम्पू जाएंगे तो थिम्पू के लिए परमिट भी चाहिए, सो परमिट भी निकलवानी है और होपफुली बारिश रुक जाती है तो परमिट और जोंग आराम से हो जाएगा, वरना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो मिलते बाद में। अभी हम पहुंच गए फोक हेरिटेज रेस्टोरेंट का नाम याद करने की ट्राई कर रहा था और मैंने अभी पिछले वाला वीडियो देखा अपना और उसमें आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, वो पानी की वजह से, क्योंकि लाइक वाटरप्रूफ ही है पर थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है वाटरप्रूफ केसिंग के बावजूद भी। सो अब ये खाना खा के निकल लेंगे यहाँ से। ओके गाइस, सो यहाँ पे बारिश ज़्यादा बढ़ रही थी तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से अब भी निकलते होटल पे जाते और बाद में होटल से मैं अपना पुनाखा जाने का प्लान था। सो पुनाखा के लिए अलग सेपरेट परमिट निकालना पड़ता है, जो कि परमिट मिलता है थिम्पू से। सो थिम्पू से मैंने परमिट निकलवाई और उसके लिए मेरे को RTO जाना पड़ा। वहाँ पर 1-1.5 घंटा हो गया, तब तक बारिश भी रुक गई, मेरी बाइक का इंस्पेक्शन हुआ, परमिट निकल गई। मेरी बाइक का इंस्पेक्शन हो गया, परमिट निकल गई और अभी मैं हूँ वापस भूल गया थिम्पू जोंग में। हाँ, अभी मैं हूँ थिम्पू जोंग में। यहाँ पे मेरा GoPro बाहर उन लोग ने कलेक्ट कर लिया और ये सब जो फुटेज देख रहे हो आप, ये मैं अपने फ़ोन से ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स थे, नो कैमराज नो वीडियोग्राफी अलाउड। सो GoPro को बाहर ही रखना पड़ा और ये अभी फ़ोन से मैंने शूट किया है। साथ ही में ऐप आता है जिससे मैंने थोड़ा वाइड एंगल, लाइक फ्रेम थोड़ा कट हो जाता है प्रॉपरली वाइड आ जाता है, सो इफ़ेक्ट वैसा ही थोड़ा बहुत आ रहा होगा, चल जाएगा। हाँ, अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक दे देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।